हेलो एंड वेलकम टू टीवी का पटाखा। वेल दोस्तों, तनिषा शर्मा केस को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। तनिषा की जिंदगी के आखिरी 15 मिनटों में छुपा हुआ है मौत का असली राज। जी हाँ दोस्तों, शिजैन मोहम्मद खान की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। वेल, आपको बता दें कि 28 दिसंबर को शिजैन मोहम्मद खान की कोर्ट में पेशी होनी थी, जिसके बाद से ही कई सारे मामलों पर और ज्यादा उजाला हो चुका है। कई ऐसे मामलों पर तहकीकात होनी शुरू हो गई है जिन्हें पहले नजरअंदाज किया जा रहा था, या ये कह सकते हैं कि इस तरह के पहले कोई आसार नजर नहीं आए जो अब नजर आ रहे हैं। ऐसा क्या हुआ है इस केस में? वेल, बहुत बड़ा ट्विस्ट आया गया है। अब शिजैन मोहम्मद खान के लिए पुलिस से बच पाना मुश्किल है, क्योंकि शक की सुई एक बार फिर से शिजैन के ऊपर जाकर लग गई है। क्या है ये पूरी खबर, बताएंगे आपको सब कुछ पूरे विस्तार से। लेकिन उससे पहले चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना आप बिल्कुल ना भूलें। वेल, आपको बता दें कि 24 दिसंबर जिस दिन तनिषा ने इस दुनिया को अलविदा कहा, उस दिन सेट पर जितने भी लोग मौजूद थे, हर किसी का फोन बरामद कर लिया गया और हर एक की कॉल हिस्ट्री को रिकॉर्ड किया गया, जिनमें से एक थे तनिषा के ड्राइवर। वेल, ड्राइवर की स्टेटमेंट है कि तनिषा की मां ने उन्हें 3 बजे के आसपास कॉल किया था, जहां उन्होंने तनिषा का हालचाल पूछना चाहा और तनिषा के लिए जो खाना भिजवाया था उसे देने को कहा। तनिषा ने एक रात पहले से ही कुछ नहीं खाया था और अगले दिन भी सुबह से वो कुछ नहीं खा रही थी। शिजैन तनिषा का लंच बॉक्स लेकर उनके मेकअप रूम में गए थे, जहां उन्होंने उन्हें खाना खिलाया और ये बोला कि तुम आ जाओ, सेट पर आगे का शूट करना है। और तब तनिषा ने कहा तुम जाओ, मैं आऊंगी। लेकिन उसी के कुछ वक्त बाद शिजैन के मेकअप रूम में चली गई तनिषा, और अचानक से जब लंबे वक्त तक वो बाहर नहीं आई, सब लोगों को फिक्र हुई और जैसे ही हर कोई वहां गया तो उन्हें वहां पे तनिषा का शव बरामद हुआ। अब पुलिस इस बात की छानबीन में है कि आखिरी उन 15 मिनटों में ऐसा क्या हुआ कि अचानक से तनिषा ने अपनी जान दे दी, क्योंकि उससे पहले तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था जिससे ये कहा जा सके कि तनिषा पहले से ही मन बना चुकी थी। वेल दोस्तों, आखिरी के वो 15 मिनट का राज अभी तक राज बना हुआ है। और इससे भी बड़ी दिक्कत तब आई जब लगातार शिजैन अपने स्टेटमेंट्स बदलते गए। यही वजह है कि अब शिजैन की जिंदगी में मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि पुलिस ने यहाँ पे शिजैन की कस्टडी को एक्सटेंड कर दिया है। जी हाँ, जहाँ एक तरफ उन्हें पुलिस कस्टडी में 28 तारीख तक रखे जाने वाला था, तो वहीं अब वो 30 तारीख तक पुलिस कस्टडी में रहेंगे। यानी कि तनिषा शर्मा की जिंदगी के आखिरी के 15 मिनटों का राज जब तक पता नहीं चलेगा, पुलिस इस केस में लगातार छानबीन करती रहेगी। आप क्या कहेंगे हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना अपना भूलें।